नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज हम मौजूद हैं नेशन टाइम के न्यूज़ रूम में। आज हमारे साथ हैं राहुल नागपाल जी, जो एक विख्यात कवि हैं और समाजसेवी भी हैं, जो हमेशा दलित और पिछड़े लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका नेशन टाइम में। धन्यवाद जी। सबसे पहला सवाल है कि राजनीति में साहित्य का क्या योगदान है? राजनीति में साहित्य का क्या योगदान है? राजनीति जो है वो एक अलग विषय है, लेकिन साहित्य का जो योगदान है, साहित्यकार और पत्रकारिता का जो योगदान है, ये बिल्कुल राजनीति के विपक्ष होते हैं। आप देखेंगे कि जो कवियों का योगदान रहा है पूर्व की राजनीतियों में, आप देखेंगे जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय इकबाल के जो शेर थे वो राजनीति के दीवानों पर के मुंह पर सर चढ़ करके बोलते थे। आज़ाद भारत में पहला आंदोलन हुआ जयप्रकाश नारायण आंदोलन, जिसको नाम दिया गया, उस आंदोलन में दुष्यंत की कविताएं सर चढ़ करके बोली, तो राजनीति में साहित्यकारों का योगदान रहा। वर्तमान में अन्ना आंदोलन अगर देश के अंदर हुआ तो उसमें भी एक कवि का योगदान रहा, हमारा साथी कुमार विश्वास, उसका योगदान रहा। दलित राजनीति की अगर बात की जाए, बैकवर्ड राजनीति की अगर बात की जाए, जिसको हम बहुजन राजनीति भी कहते हैं, तो उसमें भी ये देखने को मिला है कि जब मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन नाम से राजनीति को शुरू किया 77 के आसपास या 84 में जब बसपा का गठन हुआ, तो उसमें भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो गली मोहल्ले के गीतकार थे, कवि थे, जो गाने बना करके गाते थे, उनका भी बहुत बड़ा एक रोल रहा है। वो गली गली जा कर के मिशन मूवमेंट पर, राजनीति पर, अपने जो अपनी राजनीतिक पार्टी थी उसकी विचारधारा को गली गली तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। तो राजनीति में साहित्यकारों का या मतलब एक कवियों का बहुत योगदान रहा है, और जिस विचारधारा का कवि होता है उस विचारधारा की राजनीति के साथ उसका तालमेल होता है। वर्तमान समय में आप देख सकते हैं जो वीर रस के जितने देश के अंदर कवि हैं उनकी मांग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सरकार जो देश के अंदर सरकार है वो वीर रस के लोगों की सरकार अभी चल रही है, और इससे पहले जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसमें जो उनके कांग्रेस के अपने कवि हैं तो वहाँ सिंगार रस के कवियों की बहुत ज़्यादा मांग रही थी। अभी इन दो लोगों के अलावा बीच में थोड़ी बहुत सरकारें दूसरों की रही हैं, जनता दल की रही है वगैरह वगैरह रही हैं। मैं तो उस देश का मूल निवासी हूँ, बहुजन हूँ, शेड्यूल कास्ट हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो मैंने देखा कि इस देश के अंदर जो बहुजन कवि है, जो दलित कवि है, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं, अपनी कोई पहचान नहीं। इस बात को ध्यान में रख करके मैंने अपनी पहचान अलग बनाई कि मैं मंच से खड़े होकर के बोलता था कि मैं दलित कवि राहुल नागपाल। तो लोगों ने हालांकि इसका विरोध किया स्टार्टिंग में कि भाई कवि जो है वो कभी दलित नहीं होता, मगर अगर आप मेरी बात का विरोध करते हो तो जितने लोग ये कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप के कुल से आते हैं, हम जो है वो सनातनी ब्राह्मण हैं, आप इनका भी विरोध कीजिए, ताकि कम से कम अब राहुल नागपाल एक दलित कवि के रूप में पूरे देश में, देश के बाहर प्रसिद्ध है, तो मेरे समाज की जो आने वाली नस्लें हैं, बहुजन समाज की, जो SC ST OBC की जो नस्लें हैं, वो कम से कम ये सोचते हैं कि हमें राहुल नागपाल जैसा बनना है। अन्यथा उनको पहले पता ही नहीं था कि हमें भी बनना है, उनको पता ही नहीं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वजह से हम लोग कोट पैंट पहनते हैं, तो हम ये कहते हैं कि बाबा साहब ने जब क्या नाम है लोग नंगे और धोती लंगोटी में घूमते थे उस समय बाबा साहब कोट पैंट टाई लगा करके घूमते थे, तो हम इसलिए घूमते हैं क्योंकि हमारे बाप ऐसे थे। तो कविता कुछ इस प्रकार थी कि मैंने बहुजन को और मुसलमानों को और शेड्यूल कास्ट के लोगों को उसमें इकट्ठा करने की कोशिश की कि बहुजन हो जाओ अब साथ मुसलमान अब तो दे दो साथ, के बहुजन हो जाओ अब साथ मुसलमान अब तो दे दो साथ, और चाय वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, बहुजन हो जाओ एक साथ मुसलमान अब तो दे दो साथ। और इसमें जो पहला अंतर आता है वो ये आता है कि पांच वक्त की नमाज मुसलमान इस माटी पर पढ़ते। अभी कुछ देशभक्त थे जो कुछ समय पहले ये प्रमाण पत्र बांटने की कोशिश कर रहे थे कि कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है। शायद ये वही लोग थे कि अगर इनका और इनके बच्चों का हाथ भी इस भारत की मिट्टी से छू जाए या मिट्टी में सन जाए तो डिटॉल से धोकर के साफ़ करते, लेकिन इस मुल्क का जो मुसलमान है वो पांच वक्त की नमाज अदा करता है और इस मिट्टी को सजदे करता है, तब उससे वो लोग जो डिटॉल से हाथ धोते उससे प्रमाण पत्र मांगने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने यहाँ जोड़ने की कोशिश की है के पांच वक्त की नमाज मुसलमान इस माटी पर पढ़ते, सजदे करते इस माटी को और सीमा पर लड़ते, के पांच वक्त की नमाज मुसलमान इस माटी पर पढ़ते, सजदे करते इस माटी को और सीमा पर लड़ते, कट्टरपंथी देख रहे हैं कट्टरपंथी देख रहे हैं केवल इनकी जात
सात बहुजन हो जाओ एक साथ मुसलमान अब तो दे दो साथ। और चाय वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, बहुजन हो जाओ एक साथ मुसलमान अब तो दे दो साथ। और इसमें मैंने कुछ जोड़ने की कोशिश की है कि इस मुल्क के अंदर इंसान से ज़्यादा प्यार एक जानवर से हो गया, और उस जानवर के नाम पर कभी दलितों की पिटाई होती है ऊना में, और कभी मुसलमानों का रोज हत्याएं होती हैं इस मुल्क के अंदर, और मुसलमान और दलित खौफ में। तो मैंने एक दो मिसरे कहने की कोशिश की है पूरी हिम्मत के साथ कि रोज़ मुसलमान गाय नाम पर देखो मारे जाते, रोज़ मुसलमान गाय नाम पर देखो मारे जाते, गुजरात के ऊना में ये दलितों का खून बहाते, के रोज़ मुसलमान गाय नाम पर देखो मारे जाते, गुजरात के ऊना में दलितों का खून बहाते। और ये रोहित के कातिल हैं जी, ये रोहित के कातिल हैं, मत देना इनका साथ, बहुजन हो जाओ एक साथ मुसलमान अब तो दे दो साथ। और चाय वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, बहुजन अब तो दे दो साथ मुसलमान आ जाओ अब साथ। और इन्होंने भी नोटबंदी की थी पिछले एक वर्ष पहले, और नोटबंदी के बाद इन्होंने एक वर्ष का जश्न मनाया, मोदी जी ने बताया उसमें अपनी कामयाबी उपलब्धि बताई, लेकिन मोदी जी ने ये भी, मेरी उनसे अपील है कि मोदी जी कम से कम आप ये भी बताते कितने लोग लाइन में लग कर के मर गए, कितना पैसा इस मुल्क के लोगों ने आपको जमा किया, कितना लोगों ने आपने छापा, कितना नुकसान कितना फ़ायदा हुआ, लेकिन उन्होंने लाइट जला करके उपलब्धि हासिल, उसको अपनी उपलब्धि बताया। लेकिन मैं कहता हूँ कि सैकड़ों लोगों की जान गई, कितनी दुल्हनें फांसी झूल गई, और एक इसी मुल्क के अंदर बीजेपी का नेता है, जब जीएसटी के कारण सारा देश के जो व्यापारियों का कारोबार नीचे जा रहा है, लेकिन एक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह का बेटा जो है उसकी जो संपत्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इस घोटाले पर और नोटबंदी पर मैं दो मिसरे मैंने लिखे हैं कि नोटबंदी में कितनी दुल्हन फांसी झूल गई, नोटबंदी में कितनी दुल्हन फांसी झूल गई, भूखे पेट मरे बच्चों को क्या माएँ भूल गई, नोटबंदी में कितनी दुल्हन फांसी झूल गई, भूखे पेट मरे बच्चों को क्या माएँ भूल गईं। और एक शाह के बेटे की जी, एक शाह के बेटे की बढ़ती दौलत दिन रात, बहुजन हो जाओ एक साथ मुसलमान आ जाओ अब साथ। और चाय वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, बहुजन अब तो दे दो साथ मुसलमान आ जाओ अब साथ। और जो इस मुल्क के 85% लोग हैं वो इस देश के मूल निवासी हैं, और ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो लोग हैं ये देश के विदेशी लोग हैं, और इनके लिए मैंने मूल निवासी लोगों के लिए कहा कि मूल निवासी तुम भारत के कैसे भूल गए, मूल निवासी तुम भारत के कैसे भूल गए, जुमलेबाजों के जुमलों में कैसे झूल गए, मूल निवासी तुम भारत के कैसे भूल गए, जुमलेबाजों के जुमलों में कैसे झूल गए, के मूल निवासी तुम भारत के कैसे भूल गए, जुमलेबाजों के जुमलों में कैसे झूल गए, झूठे और मक्कार मदारी, झूठे और मक्कार मदारियों का छोड़ो साथ, बहुजन हो जाओ एक साथ मुसलमान अब तो दे दो साथ। और चाय वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, बहुजन अब तो दे दो साथ मुसलमान आ जाओ एक साथ। और अंत में दो पंक्तियां देने की कोशिश करता हूं के सबको हिंदू कहने वाले होते हो तुम कौन। आरएसएस के मोहन भागवत साहब ने कहा कि इस मुल्क के अंदर जो भी रहते हैं वो सब हिंदू हैं, जबकि संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा, संविधान तो ये कहता है कि इस मुल्क के अंदर जितने धर्म के भी लोग रहते हैं वो सब भारतीय हैं, लेकिन ये लोग हैं जो संविधान से ऊपर हो गए।
तो मैंने कहा कि सबको हिंदू कहने वाले होते हो तुम कौन, ओबीसी के आरक्षण पर मोदी जी क्यों मौन, सबको हिंदू कहने वाले होते हो तुम कौन, ओबीसी के आरक्षण पर मोदी जी क्यों मौन, जो संविधान से ऊपर समझे, जो संविधान से ऊपर समझे मारो उसको लात, बहुजन हो जाओ एक साथ, मुसलमान अब तो दे दो साथ, और चाय वाले इस चाचा को भेजो तुम गुजरात, बहुजन आ जाओ एक साथ, मुसलमान अब तो दे दो साथ। तो ये मेरी पोइट्री थी जो मैंने अभी लिखी और बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आई थी। अभी मेरी एक कविता और थी, इस जन्म में अपना मेल नहीं प्यार मोहब्बत खेलने, एक फिल्म मुक्केबाज आई है उस पर उसके टाइटल को रखा है उन्होंने, मैंने कल देख रहा था टीवी पे, तो मैंने चलो एक दलित कवि यहाँ तक पहुँचा, उसकी कविताओं का एक दो शब्द वहाँ तक पहुँचे। और मेरी एक बड़ी हिट पोइट्री थी बाबा साहब के लिए मैंने लिखी थी और उस कविता ने मुझे राहुल नागपाल को राहुल नागपाल बनाया। मैं एक बार एक कवि सम्मेलन से वापस हो रहा था तो मेरे साथ बहुत सारे साथी कवि थे, उन्होंने ऐसे ही मुझसे कहा कि राहुल नागपाल इस मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेचू बाबा साहब की है, कॉलेज बाबा साहब के नाम से, रोड बाबा साहब के नाम से, यूनिवर्सिटी बाबा साहब के नाम से, और क्या चाहिए दलित समाज के लोगों को, अम्बेडकरवादी लोगों को, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोगों को। तो मैंने वहाँ पर एक मेरी जो फेमस कविता थी वो मेरा जन्म उस कविता का वहाँ से हुआ कि हम लोगों के अम्बेडकराइज़ लोगों की तमन्ना क्या है, तो मैंने बस यही कहा, कुछ लोगों को बुरा भी लगा था वो, मैंने संसद भवन में बोल दिया था कि महात्मा गांधी 10वीं पास थे और वो LLB थे सिंपल, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस मुल्क के अंदर इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, देश को आज़ाद करने में उनका कितना बड़ा योगदान था, देश को देश चले कैसे कितना बड़ा योगदान था, हम लोग 5 आदमियों के परिवार के लिए एक कानून नहीं बना पाते कि 5 आदमी कैसे चलेंगे, हमारा घर कैसे चलेगा, उसके लिए नियम कायदे नहीं बना पाते, लेकिन बाबा साहब ने इस मुल्क के 125 करोड़ लोगों के लिए नियम कानून बनाए और देश दिन दूनी चार रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो ऐसे महान भाव की फोटो नोटों पर होनी चाहिए, मेरा ये अपना सिद्धांत था, ना कि 10वीं पास सिंपल LLB की, बल्कि उस आदमी की फोटो होनी चाहिए जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता बाबा साहब हैं। तो हमारे लोगों को, हमारे देश की जो नई जनरेशन है उसको, तो मैंने वहाँ से 2 पंक्तियाँ लिखी कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, और ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है। और मैंने यहाँ लोगों से कहा कि अगर ऐसा हुआ कि बाबा साहब की फ़ोटो नोटों पर आई तो क्या होगा, जो लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं ना, जो कोई बाबा साहब की मूर्ति तोड़ देता है, कोई हाथ तोड़ देता है, कोई उंगली तोड़ देता है, कोई चश्मा तोड़ देता है, ओ मैं फिर ये पूछूंगा उन लोगों से, मनुवादी विचारधारा की मानसिकता के लोगों से, कि भैया अब आप मुझे ये बताइए कि जो बाबा साहब की फोटो नोटों, भाई लाला जी अब कितने नोटों में आग लगाओगे, अब भाई जो लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं वो कितने नोटों में आग लाएंगे, और जो लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं वो चुचकार के अपनी जेब में रखेंगे, गल्लों में रखेंगे, तिजोरियों में रखेंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि वो दिवाली के दिन तो थाली में रख के पूजा भी करेंगे। तो यहाँ से मेरी 4 लाइनें ये हैं कि तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है, ये फोटो भीम की नोटों पे अभी आनी बाकी है, और दिवाली के दियों से फिर यहाँ पूजते रहें बाबा, दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है, दीवानो भीम को देनी यही सौगात बाकी है, तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। ये मेरी बड़ी हिट पोइट्री थी, इसमें और बहुत में बहुत सारा लिखा गया, लेकिन ये 4 लाइनें ऐसी थी जो देश में लाखों मोबाइलों की कॉलर ट्यून बने, और पंजाब के साथियों ने पंजाबी में गाया, बिहार के साथियों ने बिहारी में गाया, हमारे एक मित्र हैं अतर सिंह जौहरी, बहुत अच्छे कव्वाल हैं, उन्होंने इसको कव्वाली के रूप में गाया, तो कई भाषाओं में मुल्क के अंदर गाया गया। हमारे विदेश में मेरे कई साथी हैं, मनकीत सिंह बहल साहब इंग्लैंड में, उन्होंने इसको विशेष रूप से वहाँ पर प्रचारित किया बाबा साहब की 125वीं जयंती पर। तो ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुत बहुत शुक्रिया नेशन टाइम से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राहुल नागपाल, कैमरामैन मनोज के साथ मैं सौरभ यादव, नेशन टाइम के लिए।